सरकार गरीबी हटाने का चाहे लाख दावा करे या अंतिम आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात करे, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो पूरे सिस्टम को आईना दिखाने का काम कर जाती है। बेबसी और बदहाली की एक ऐसी मार्मिक तस्वीर राजगढ़ जिले के पचोर से निकलकर सामने आई है, जहां महिला लक्ष्मीबाई बैलगाड़ी पर अपना घर का थोड़ा सा सामान लिए एक मासूम बच्ची को बिठाकर हाथों से बैलगाड़ी खींचते हुए 30 किलोमीटर का सफर पूरा करने के लिए निकल पड़ी। महिला गरीबी से इतनी मजबूर है कि उसके पास दो वक्त का खाना खाने के लिए भोजन भी नहीं है और नहीं जाने के लिए कोई साधन व रुपए। जब महिला अपनी बेटी को साथ लेकर पचोर से सारंगपुर की ओर बैलगाड़ी अपने हाथों से खींच कर ले जाती हुई दिखाई देती है तो हर किसी का दिल पसीज गया। बैलगाड़ी को पैदल ही खींचकर जब महिला ने 15 किलोमीटर का सफर तय कर लिया, तब जन शिक्षक देवी सिंह नागर की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने मदद करते हुए अपनी मोटरसाइकिल से गाड़ी को बांधकर सारंगपुर तक पहुंच महिला ने बताया कि जब से उनके पति की मृत्यु हुई है तब से यही हाल है। मुश्किल से एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, न रहने के लिए घर है, न कोई साधन, कोई मदद करने के लिए आगे भी नहीं आता। ऐसे में सरकार की योजनाओं पर सवाल उठना लाजमी है, आखिर ऐसे लोगों को योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पाता। हम पैदल आ रहे थे तो हमारी इतना सहयोग करा इनने कि हम माँ बेटी को छकड़े सुधी बिठा के लेके आए। इनने फूल फाल हमारी मदद करी, इनका भगवान भला करे। आज हमारी मुसीबत ऐसी, एक टाइम का खाना खा रहे हैं, धंधा पानी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं विधवा हूँ, मेरी कोई भी मदद करना पसंद नहीं करते। आज इस भाई साहब ने मेरी मदद किया तो मैं ये इनको ये कहना चाहती हूँ कि इनकी दुआ से हम इतनी दूर पैदल चल के आ रहे थे, ये हमको लेके यहाँ तक आए। आज इनने इतनी हमारी सेवा करी, अब आगे जाके मैं अब आप कहाँ रुकेंगे? अब यहाँ रुकूंगी, ये फूड फाट पे सब ने घर बना लिया। अच्छा, मेरे को कोई घर बनाना नहीं देते। आपके पास बेल भी नहीं है? बेल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बरसाती है, पानी आए तो इसमें छकड़ी आप खुद ही खींच के लाते? हाँ, खुद ही खींच के लाए, क्या करें, मुसीबत इतनी, हमारी मुसीबत कौन हल कर। चलो हम अधिकारी से बात करवाएंगे आपकी। आपका नाम क्या है? लक्ष्मी भाई। करेंगे चर्चा, अगर कोई मदद करेगा आपकी तो, है ना।